नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो आज का जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है 12 सितंबर 2017 का। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ जीके के क्वेश्चन आ गए जो आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आया था रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो ये हमारा भारत में पड़ता है। अगला, सिखों के 10वें गुरु का नाम बताओ, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में कौन सी होती है, यकृत। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आया था सबसे बड़ा भारत का रेगिस्तान कहाँ पर है, तो वो है राजस्थान में। ओके दोस्तों, राजस्थान में सबसे बड़ा रेगिस्तान पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा। अगला, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो सांची स्तूप स्थित है हमारा मध्य प्रदेश में, एमपी में। अगला, नर्मदा नदी की लंबाई बताओ, तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके दोस्तों, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में कौन जीता था, तो ये जीता था अहमद शाह अब्दाली जीता था। अगला, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेलों में दिया जाता है, जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें ही अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आया था हरित क्रांति के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, तो जो हमारी जो फसलें हैं खाने वाली, गन्ना है, मक्का है, बाजरा और भी फसलें, ये सब बढ़ेगा हरित क्रांति के बढ़ने से। अगला है दोस्तों, पटना में कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया सितार वादक का नाम बताओ, तो सितार वादक थे पंडित रविशंकर हैं। अगला, सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, तो वो है सिलकोना होगा दोस्तों। अगला, एमपी व यूपी के बीच कौन सी नदी बहती, तो वो चंबल नदी बहती है एमपी व यूपी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो वो आई थी 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था पहली रेल यात्रा कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 1853 में पहली रेल यात्रा शुरू हुई थी। अगला, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था सर्वोदय आंदोलन में सबसे पहला नागरिक कौन था, तो वो था जयप्रकाश नारायण, सर्वोदय आंदोलन का प्रथम नागरिक था जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया चंद्रमा पर अगर हम कोई गेंद फेंकते हैं, तो गेंद फेंकने पर क्या होता है, तो लौटकर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन था कि चंद्रमा पर अगर हम कोई गेंद फेंकते हैं तो क्या होता है, तो वो लौटकर वापस आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं होती है, और जो दोस्तों जहाँ वहाँ पर वायु नहीं होगी तो तभी तो आ जाएगी। अगला, एयर से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं, मतलब हवा से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं, तो वो फैलता है टीबी, खसरा को कहते हैं चेचक, ये वायु से रोग फैलते हैं। अगला है, नरों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन तक पूछे गए हैं।